नमस्कार दोस्त, द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी फिर से आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछेंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे एसएससी दो या अन्य प्रकार की स्टेट कमीशन के कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे सवाल जरूर पूछते हैं। आज के हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग और आपातकालीन उपंत, दो आपके टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो आपका है निर्वाचन आयोग, दूसरा है आपातकालीन उपंत भारत में कैसे लगते हैं। आइए हम लोग देखते हैं भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसका आर्टिकल 324 से 329 तक वर्णन है। इसकी स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी। इनके सदस्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। वर्तमान समय में 3 सदस्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन सा अधिकारी है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो आपको आएगा मुख्य निर्वाचन आयोग अपने पद की शपथ नहीं लेता है। इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो पहले हो। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जैसा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है, उसी प्रोसेस के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 326 से भी आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछ सकता है कि संविधान में वोट देने का अधिकार कहां पर है। वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इनका कार्य क्या है? संघ और राज्य की विधायिका के सदस्यों का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव की मान्यता देना, और जब राष्ट्रपति अपने गजट में चुनाव की तिथि घोषित कर देता है। यह भी क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है? आपको आंसर आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने गजट में चुनाव की तिथि घोषित कर देता है, तब जो है चुनाव की घोषणा करता है, तब निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रकार के समय में, तारीख में, डेट में निश्चित करके चुनाव कराता है। तो चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो राष्ट्रपति अपने गजट में करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग काम करना शुरू करेगा, विभिन्न चरणों में आपको चुनाव कराएगा। विभिन्न चरणों में जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है, जो समय का निर्धारण है, वो निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से करता है। इस समय राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करती है। उस समय ट्रांसफर, तबादले, जितने बड़े बड़े अधिकारियों के हैं वो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किए जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस निर्वाचन आयोग पर विभिन्न प्रकार की समितियां का गठन किया गया था। पहली समिति है बीएन तारकुंडे समिति। बीएन तारकुंडे समिति ने अपनी सिफारिश दिया था कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए और उसमें सदस्यों को शामिल किया जाए। दूसरा है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा था? ईवीएम द्वारा चुनाव कराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराया जाए, बाहर से चंदा चेक के माध्यम से ग्रहण किया जाए पार्टियों के द्वारा, मताधिकार की आयु कम की जाए। ये 3 जो है दिनेश गोस्वामी की सिफारिश थी। टीएन सेशन जो समिति थी वो कहा आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाए। जो मेंबर हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आय और व्यय का ब्यौरा दे, लेकिन उनकी जमानत राशि का निर्धारण संसद करती है, निर्वाचन आयोग नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछ सकता है,
उनमें से किसका निर्धारण निर्वाचन आयोग नहीं करता, तो जमानत राशि का निर्धारण संसद करती है, आयोग नहीं करता है। फोटो पहचान पत्र दिया जाए, प्रचार प्रसार पर रोक लगाया जाए, ये तीनों सिफारिश टीएन सेशन की थी। इसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया, इनका कहना है कि राज्य निधि का निर्वाचन किया जाए, राजनीतिक निधि के द्वारा ही निर्वाचन की प्रक्रिया हो। इनका ये कहना है कि एक कोष बनाया जाए, उसी कोष से पैसे के द्वारा चुनाव किया जाए। आर्टिकल 329 स्वतंत्र एक प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जर्मी बेंथम का कहना है, वैश्य मताधिकार था एक व्यक्ति एक वोट गुप्त मतदान और वैश्य मताधिकार, ये स्टेटमेंट जर्मी बेंथम का है। तो इस तरह से भारत में निर्वाचन आयोग पूछ सकता है कि ये कहां स्थापित है, नई दिल्ली में स्थापित है, इसका काम क्या है, ये राज्य की विधायिका जो एमएलए होते हैं और सांसद एमपी होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी का चुनाव कराता है, इसके बहुत सारे अधिकार हैं। तो इस तरह से आपके जीके में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम दूसरा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम है भाग 18 में वर्णन है आपातकालीन उपवंत। इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ में नहीं आता आपातकाल क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है, कौन लगाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आइए हम लोग देखते हैं भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध तीन तरीके से लगता है। एक तो संविधान में आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कैसे लगता है, तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, जब ये देखा जाए, राष्ट्रपति को ये मालूम हो जाए किसी भी स्रोत से या राज्यपाल के द्वारा या किसी स्रोत से कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, कि राज्य का जो प्रशासन है संविधान के तहत नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति शासन किस शर्त पर लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति को यह मालूम हो जाए कि राज्य की जो विधायिका है उस संविधान के तहत कार्य नहीं कर रही है, संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तब जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगा दिया जाता है। एक आर्टिकल है 360 जिसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। आपातकाल ये तीन होते हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्टिकल 356 के बारे में, जब संविधान बन रहा था तो संविधान के सदस्यों ने अंबेडकर जी से पूछा कि क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि 356 जो है का दुरुपयोग नहीं होगा। अंबेडकर जी ने संसद के दुहाई देकर बैठ गए अपनी सीट पर, नैतिकता की दुहाई देकर अंबेडकर जी अपने सीट पर बैठ गए कि जो सांसद होंगे वो उम्मीद है अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा इसमें दिया। 38वां संविधान संशोधन 1975 इंदिरा गांधी में हुआ। इंदिरा गांधी का ये कहना था जो आपातकाल लगेगा उस पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, न्यायालय इस पे कुछ नहीं करेगी। लेकिन 44वां संशोधन 1978 में एक वर्ड आया कैबिनेट मंत्री की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगेगा। अब आप देखते हैं संविधान में हमेशा एक मंत्रिपरिषद है और जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री है। मंत्री परिषद शब्द ही आया हुआ है, कैबिनेट मंत्री शब्द कहीं नहीं आया है। अगर कभी आपसे पूछे कि संविधान में कहां कैबिनेट मंत्री का उल्लेख है, तो यहीं पे केवल एक जगह उल्लेख है, कैबिनेट मंत्री की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगेगा, बाकी किसी के नहीं। देखो 352 ये भी क्वेश्चन आपके जीके आरआरबी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस यूपीएसआई। आइए 352 में क्या है, किस पे लगता है, इसका आधार क्या है,
ये युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। इन्हें तीनों के आधार पर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल 352 के तहत लगेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कभी कभी देखते हैं छोटे मोटे एग्जाम में कहते हैं कितने वर्ष लगेगा, क्या लगेगा, ये भी है। इसका ये प्रावधान किया गया कि नहीं, इसका न्यायिक पुनर्वलोकन संभव है और इसका समय सीमा 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया। 1961 से 68 के बीच जो लगा था बाह्य आक्रमण, चीन के युद्ध के समय लगा था, 2 बार लगा था। 1974 से 77 में आंतरिक अशांति पर 1 बार लगा था और वित्तीय आपातकाल पर अभी भी कभी भी आपातकाल नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके, दिल्ली पुलिस हुआ, आरआरबी हुआ, एसएससी हुआ, कि आपातकाल सबसे ज्यादा किस पे लगा है। ऑप्शन देता, ऑप्शन ए युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय आपातकाल। तो आप जानते रहेंगे, देखिए बाह्य आक्रमण के समय 2 बार लगा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है। आपका आंसर आएगा वित्तीय आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है। आइए, जब 352 लगता है तो उसमें 2 आर्टिकल काम करते हैं आपके। 352 के तहत 358 आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 20 और 21 कभी भी निलंबन नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से आर्टिकल है जो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जाते। आर्टिकल 352 जब आर्टिकल 352 लगा हुआ है तो उसमें आर्टिकल 355 राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संघ सरकार को होती है। 365 भी लगता है केंद्र सरकार का दिशा निर्देश। अगर केंद्र सरकार का दिशा निर्देश 365 नहीं माना होता तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये लगता कैसे है, जगह आइए चर्चा करें। यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाएगा, लोकसभा के कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन जो लिखित सिफारिश है वो 1 माह के अंदर आपको पारित होना चाहिए दोनों सदनों से, और राज्यसभा भी उसे पारित करेगी, और मैक्सिमम जो है 6 माह तक लगाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ये वर्णन है कि जो संसद का सत्र है कम से कम साल में 2 बार आहूत होना आवश्यक है, यानी मिनिमम 6 और 6 माह पर है, इसलिए मैक्सिमम इसकी आयु 6 माह होती है। अगर लोकसभा उस समय नहीं है तो राज्यसभा पारित करके उसे चलाती रहेगी, लेकिन जो ही लोकसभा सत्र में आएगी उसको 1 माह के अंदर पारित करना होगा, नहीं तो अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर लग गया राष्ट्रपति शासन कैबिनेट मंत्री की लिखित सिफारिश पर, तो वापस लेने का क्या प्रावधान है। वापस लेने का प्रावधान 1/10 सांसदों की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर बैठक आहूत करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने दिन के अंदर जो है राष्ट्रपति बैठक आहूत करेगा और साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, तब ये अपने आप हट जाता है। लेकिन अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा इसे पारित करके चलाती रहेगी। जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक हुई है, पहली बैठक से लेकर 1 माह के अंदर 30 दिन के अंदर अगर यह पारित नहीं होता, अपने आप समाप्त हो जाती है। इस तरह से आप देखते हैं कि आपातकाल लगता है, आपातकाल में ये तीनों का कंडीशन यही है। नोट, वित्तीय आपातकाल अभी भारत में नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल 360 लगेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग आपातकालीन
उपबंध भारत में कहां पर है और आपको जीके में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में आप एग्जाम देंगे। इसके बाद आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।